वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज है संडे और आज का व्लॉग जो है वो मैंने इवनिंग से स्टार्ट किया है। तो आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर सूरज जी जो है वो डूबने को है। और आज का व्लॉग जो है मैंने अभी स्टार्ट किया है। और आज जो है सवेरे मैंने नाश्ते में बनाया था साबूदाना, मतलब साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी। तो वैसे तो मेरा प्लानिंग था साबूदाना वड़ा बनाने का, लेकिन फिर कैंसिल कर दिया, तो सिर्फ खिचड़ी बनाई थी। और ये देखिए यहाँ पे जो है वो मैंने कपड़े सुखाने को डाले हैं, मतलब सवेरे जो है वो मैंने एक बार धो दिए थे और उसके बाद में इतनी जोरों की हवा आई, अचानक से एक सेकंड में इतनी जोरों की हवा आई कि आज जो है ना वो मैंने सिर्फ चिमटे नहीं लगाए थे उसको, कपड़ों मतलब ये वाले चिमटे जो होते हैं हमारे लगाने वाले, तो वो नहीं लगाए थे मैंने, तो वो पूरे कपड़े जो है वो मेरे नीचे गिर गए थे और पूरा जो है उसमें धूल मिट्टी लग गया था। तो ये देख सकते हो आप नीचे की तरफ में जो है वो पूरा कचरा आ गया है। तो इतने जोरों से हवाएं चली तो कपड़े जो है वो मुझे फिर से पानी में से निकालने पड़े हैं और अभी जो है वो मैंने मतलब फिर से डाल दिए हैं। शाम के टाइम में ना बच्चियां मतलब यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी, तो उनका कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाना या फिर ग्रीटिंग्स बनाना चालू ही होता है। तो उन्होंने सबसे पहले तो मम्मी पापा के लिए ग्रीटिंग बनाया था। और अब ये देखिए मनु यहाँ पे लिखा आई लव यू ग्रैंडपा एंड ग्रैनी, तो उसके दादा दादी के लिए वो यहाँ पे ग्रीटिंग बना रही हैं। मतलब उसको जो समझ आता है, उसको जो सूझता है वो उस तरीके से बना लेती है। और कृष्णाली भी यहाँ पर हमारे लिए ABCD की ग्रीटिंग बना रही है। तो मैंने चुपके से शूट किया था, उन दोनों को पता नहीं था। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि मेरी मतलब दोनों बेटियाँ जो है वो C-सेक्शन से हुई है, तो इस वजह से जो है मुझे बैक पेन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो अभी जो है वो पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन 8 दिन से जो है ना वो इतना मेरा बैक पेन हो रहा है और आज मतलब इतना ज़्यादा हो रहा था। तो सवेरे के काम मैंने जैसे तैसे निपटाए, तो इस वजह से फिर मुझे ब्लॉग स्टार्ट करने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद में मैंने 2 घंटे जो है वो आराम किया, रेस्ट की है, तब जाके मुझे जो है वो थोड़ा सा रिलीफ मिला है। तो बैक पेन के लिए मैंने मतलब डॉक्टर को दिखाया था, जो मेरी मैडम थी, मेरी जो डिलीवरी की मैडम थी उन्हीं को दिखाया था, मतलब वही है लेडी स्पेशलिस्ट है, तो उनको दिखाया था मैंने। तो उन्होंने बोला कि इसका कोई हल नहीं, मतलब अभी जो है आपका C-सेक्शन हुआ है तो टमी बड़ी हुई होती है, तो उसकी वेट से जो है वो फिर बैक पेन होता ही है, हर लेडीज़ को होता है ये प्रॉब्लम। तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप वेट लॉस करो, मतलब वज़न कम करो। लेकिन वज़न कम करने में मुझे दिक्कत ये है कि मुझे है थायराइड, और मेरा थायराइड जो है वो मतलब हाइपर थायराइड है, जो बढ़ने वाला थायराइड होता है तो वो वाला है। तो इस वजह से मेरा वेट जो है वो बढ़ता ही है, मतलब कम नहीं होता है ज़्यादा, कितना भी कोशिश करूँ मैं तो। मतलब ऑयली चीज़ें वगैरह ज़्यादा नहीं खाती हूँ मैं, लेकिन फिर भी पता नहीं वेट ज़्यादा ही हो रहा है। तो इस वजह से आज इतना बैक पेन कर रहा था मेरा, इतना कि पूछे मत। तो इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया है। तो अभी जो है वो रात के 7:30 बजे हैं और 6 बजे के बाद में जो है उन बच्चों को नीचे खेलने के लिए लेके गई थी। और ये देखिए कृष्णाली आते ही मतलब सबको जो है सैनिटाइजर दी थी हाथों में, चाहे कोई भी आए हो बाहर से, उसके पापा भी आते हैं ना, तो तुरंत जाके पहले मुझे नहीं आ रहा था और उनको भी नहीं आ रहा था शायद कभी कभी अगर बाहर ही नहीं कहीं गए हो तो, लेकिन उसको और मनु को जो है वो अच्छे से याद आ जाता है, तो आते ही तुरंत से सैनिटाइजर देती हूँ हाथों पे लगाने को। तो आइए डिनर बनाते हैं। तो डिनर में आज मैं ये वाली शेंग बनाऊंगी और यहाँ पर और शेंग की सब्जी के लिए यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है, एक प्याज लिया है और लहसुन अदरक है और ये सांभर है। तो सब कुछ जो है वो मैंने यहाँ पे कट करके रखा हुआ है। और जब तक मेरी शेंग की सब्जी वगैरह जो है वो पक गई थी, तब तक मैंने यहाँ पर अपने लिए चाय भी रख दी।
तो शाम का टाइम है तो थोड़ी सी, मतलब अभी गर्मी का टाइम है तो थोड़ा सा लेट ही मैं चाय पीती हूँ, और एक तरफ जो है वो मैंने गैस पर कढ़ाई भी चढ़ा दी थी ताकि मुझे जो है वो मेरी सब्जी को दाल में बनाऊंगी, मतलब आज मैं तो दाल छेंग बनाऊंगी, तो उसके लिए छौंक लगाना है मुझे, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है। और चलिए अभी फटाफट से सब्जी बना लेते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी, तो 2 चम्मच ऑयल इसमें डालना है। उसके बाद में हमें जो है वो राई डाल देनी है, तो राई को अच्छे तरीके से फूल देना है, और अच्छे तरीके से राई फूलने के बाद में मैं यहाँ पर डाल दूंगी जीरा, और जीरा डालने के बाद में जो है वो मैं यहाँ पे इसमें डालूंगी प्याज। तो प्याज अच्छे से थोड़ा सा लाल होने के बाद, मतलब ब्राउनिश होने के बाद में यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है, और ये अच्छे तरीके से भून जाता है। तब तक मैंने अपने मसाले निकाल लिए। ये देखिए यहाँ पर 2 चम्मच धनिया पाउडर है, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला है, और हल्दी पाउडर है, तो ये भी इसमें मैं ऐड कर दूंगी। जब हम मसाले डालते हैं तब हमें जो है गैस की फ्लेम धीमी करनी है, नहीं तो हमारे मसाले जो है वो जल जाते हैं। तो उन्हें अच्छे तरीके से पकने के बाद में मैं इसमें कटा किया हुआ टमाटर डाल दूंगी। तो टमाटर को जो है हमें अच्छे तरीके से स्मैश होने देना होता है इसमें, तो इसकी अच्छे तरीके से प्यूरी बन जानी चाहिए तो अच्छा लगता है फिर। तो ये देखिए यहाँ पर जो है वो मैंने अच्छे से स्मैश होने दिया है टमाटर को, और ये उबली हुई शेंग जो है वो मेरी अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी। तो सबसे पहले शेंग को जो है अच्छे तरीके से हमें मसालों में मिक्स करना होता है, ताकि हमारे मसाले जो है वो पूरी तरीके से इनको लग जाएंगे तो अच्छा टेस्ट आता है फिर। और फिर इसमें जो है वो मैंने तुअर की दाल उबार कर रखी थी, तो वो दाल जो है वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। तो दाल शेंग की सब्ज़ी मैं आज बना रही हूँ, तो इस वजह से, तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। और जो शेंग को उबाला हुआ था वही पानी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तो चलिए इसमें अब मैं नमक भी ऐड कर लूँगी, तो टेस्ट के हिसाब से आप भी अपना नमक ऐड कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर जो है मुझे इसे अच्छे तरीके से उबाल आने देना है। ये देखिए अभी जो है वो इसको अच्छे तरीके से मैंने 4-5 मिनट तक जो है वो पकाया है, और अब मैं इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ, और ये अब जो है अपनी सब्ज़ी बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो चुकी है। तो चला बस देखिए यहाँ पर भी अब मैंने बच्चों के लिए दाल चावल ले लिया है, और अब मैं इनको खिला रही हूँ यहाँ पे। तो उनको जो है मेरे मनो हाथों से इनको खिलाऊँ तो भी ये पेट भर कर खाना खाते हैं, नहीं तो बस खाना नहीं खाते ज़्यादा से, तो इसलिए मैं इनको अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ महाराष्ट्रीयन ठेचा। तो ये देखिए इसके लिए जो है वो ग्रीन चिल्ली मैंने ले ली है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से मैं ठेचा बनाती हूँ वो मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगी। यहाँ पर मैंने तवा जो है वो गरम कर लिया है, और उस पर जो है वो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाल दी है। तो हरी मिर्च को हमें अच्छे तरीके से भून लेना है, और फिर उसके बाद में इसमें मैं लहसुन ऐड कर लूँगी, साफ़ किया हमने इसमें डाला है। अच्छे से भुनने के बाद में मैं इसमें जो है थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी, और फिर हरा धनिया भी डाल दूँगी, और फिर इसे जो है हमें ढक कर रखना है, कि नहीं तो इसका जो है वो खेपन की वजह से जो है वो पूरे घर में जो है वो मतलब खांसी छूट जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर मैं धनिया डालने के बाद में जो है वो गैस बंद कर दूंगी, और इसे जो है अच्छे तरीके से ढक कर रख दूंगी ताकि फिर खांसी ना आ जाए, नहीं तो पूरे घर में इसकी खांसी फैल जाती है, खांसी आ जाती है इसके तीखेपन से। तो इस वजह से, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने धनिया ऐड कर लिया है। तो धनिया को जो है हमें ज़्यादा भूनना नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा इसका जो गर्माहट होती है तावे की, तो उसी पर ये अच्छे से बन जाता है। तो गैस को हमें बंद कर देना है जब हम धनिया ऐड करते हैं। और अब ये देखिए यहाँ पर जो है वो मैंने प्लेट डालकर जो है इसे ढक कर रखा है, तो थोड़ी देर ठंडा होने के बाद में मैं इसे आपको बनाकर दिखाऊंगी। हाँ
तो मेरा मतलब ठेचा का जो है तावा थोड़ा सा ठंडा हो चुका था, और यहाँ पर जो है वो मैंने इसे यहाँ पर उसको रगड़ने के लिए बैठी हूँ। तो इस लोटस की मदद से मैं अक्सर रगड़ती हूँ, तो इससे जो है मुझे आसानी आसानी लगती है, तो इस वजह से मैं लोटे से। और ये जो है वो बिल्कुल मतलब पुरानी पुरानी स्टाइल है, तो इस वजह से मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और इस मनु के पापा आए थे तो उनको हेडफोन नहीं मिल रहे थे, तो बस वही मुझसे पूछ रहे थे कि बच्चों ने हेडफोन कहाँ रख दिए हैं। तो मैं उनको बता रही थी कि यहाँ रखे होंगे, वहाँ रखे होंगे, देख लीजिएगा आप। और ये देखिए यहाँ पर मैंने नमक ऐड नहीं किया था, तो अभी जो है इसमें मैंने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया है, ज़्यादा नहीं डालना होता है, नहीं तो इसका जो है वो मतलब हमें नमक वाला हो जाएगा। तो थोड़ा सा कम ही नमक इसमें चाहिए होता है, तो अच्छे से ये तीखा बन जाता है। और इसे जो है अच्छे से मैं मतलब हमें स्मैश कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से आप कर लीजिएगा, और अब जो है इसे मैंने अच्छे तरीके से पूरा स्मैश कर लिया है, देख सकते हो आप। और इसको जो है अच्छे से पोंछ लूँगी मैं जो भी लोटे को लगा हुआ है, और फिर हमारा ठेचा जो है वो खाने के लिए एकदम रेडी है। तो मैं अभी इसे बाउल में निकाल ले रही हूँ, तो ये देखिए मुंह में पानी आ गया मेरे अभी भी। तो उसके बाद में जो है वो हमने खाना खा लिया था, तो ये देखिए यहाँ पर मनु के पापा के लिए मैंने थाली लगा ली है, और ये कैरी वगैरह भी मतलब उसके साथ में बना दी थी मैंने, कैरी और जो है वो प्याज वगैरह कट करके उसे जो है लाल मिर्च पाउडर और नमक लगाया है, और ठेचा है, और ये सब्जी जो बनाई है मैंने। तो चलिए आइए खाना खाते हैं। तो अभी जो है वो हमारा खाना वाना सब कुछ हो चुका है, और आपको बताऊँ आजकल मच्छर इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो ठेचा जो है वो इतना ज़्यादा टेस्टी बना था, और सब्जी भी, तो बच्चों ने सिर्फ सब्जी और चावल ही खाए, और अब वो लोग सब कुछ सो चुके हैं सब लोग, और अब भी काफ़ी देर हो चुकी है। और अपना अपना ब्लॉग जो है वो मैं एडिट कर रही थी, तो आज के व्लॉग में मैं आपको एक चीज़ बताने वाली थी। तो कृष्णाली का एक कारनामा, तो बहुत ही दिलचस्प कारनामा किया है, लेकिन आज के व्लॉग में पॉसिबल नहीं हुआ है, नहीं तो व्लॉग बहुत लंबा बन जाता। तो कल के व्लॉग में जो है वो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी कि कृष्णाली ने क्या किया। तो कल का व्लॉग जो है वो ज़रूर वॉच करना, और आज का व्लॉग जो है वो यही पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स वीडियोज़ फ्रेंड्स। तो आज का व्लॉग एंड करती हूँ, और मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में नया कुछ लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।